रांची के केंद्रीय कार्यालय में आरसू प्रवक्ता देवशरण भगत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अपने पीसी में देवशरण ने राज्य की कानून व्यवस्था और राजनीतिक हालात पर कई सवाल खड़े किए। देवशरण ने कहा कि 29 महीने की सरकार में जनता का शासन से विश्वास उठ गया है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है और आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने झारखंड विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र पर भी सवाल खड़े किए। को देखते हुए आसू पार्टी पूरे गंभीरता से इस बात को रखना चाहती है कि वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है, एक तरफ अपराध का आंकड़ा बढ़ रहा है और सरकार के लोग घूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। एक तो विशेष सत्र 5 तारीख को बुलाने की बात कही गई है। पहले तो इस विशेष सत्र में विषय क्या है, किन विषयों को लेकर के बुलाया गया है? ये पुरानी पेंशन योजना को तत्कालीन केंद्र सरकार, जिसके अभी ये एक पार्ट भी है कांग्रेस, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने ही हटाया था। बाद में ये आदेश हुआ कि पूरे देश स्तर पर पुनः पुराने पेंशन योजना को लागू किया जाए। अभी तक ये देश का पहला राज्य नहीं है, देश का ये चौथा राज्य है। सरकार ने कहा है कि एनएसडीएल क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों का मंथली सैलरी का पैसा प्राण के तहत परमानेंट रिटायरमेंट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।